या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 549. Yali Madad, 6th of May 1996. There is a personal private gathering at LA. Bola. Any question? Question बाद में करेंगे. इंसान के लिए एक चीज मौला ने सूत्र में मुझसे फरमाया, तुम हर रोज आधा घंटा शांति से, आराम से, सुकून से बैठो और ये सोचो कि भला मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे एक दिन मरना है तो मुझे कहां जाना है. सब बोले इस किस्म का ख्याल करो, हर रोज नहीं बनता तो वीक में एक दफा जरूर करो, कभी वीक में भी नहीं बनता तो महीने में तो जरूरी करना. इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी. शाम के वक्त आराम से बैठ के सोचो कि आज सुबह से मैं उठा हूं, मैंने दुआ पढ़ी बराबर, अपनी तस्बीहां दुआएं मांगी, बाद में मैंने कौन कौन से गुनाह किए, किसको चीट किया, या मेरी जिंदगी, मेरी आखिरत वगैरह के ख्याल भी मैंने किए. तो बाबा फरमाया सुबह से शाम तक तुमने क्या किया उसको सोचो. हर रोज ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात के लिए पता लगेगा कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो, और अगर अच्छे हो तो कितने अच्छे हो. इस तरह करने से इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा होती है. तो मैं इससे ये बात शुरू करता हूं कि जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, रूमी बैठ के सोचता था कि मैं खुदा के नूर से निकला, खुदा ने मुझे क्रिएट किया, तो मैं उस वक्त एक बिल्कुल स्पर्मेटोजा की हालत में था. स्पर्मेटोजा कहते हैं सिंगल सेल, और सिंगल सेल स्टार्टिंग ऑफ लाइफ है. सिंगल सेल की बहुत सी चीजें हैं, छोटी भी हैं, माइक्रोस्कोपिक, हम जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, आंख से नजर नहीं आते लेकिन वो हैं, क्योंकि इतने छोटे हैं कि हमारी आंख नहीं देख सकती, लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो हम उसको देख सकते हैं. लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सिंगल सेल, ये जो गार्डन के अंदर अर्थ वर्म निकलता है वो लंबा सा होता है, 2-4 इंच का भी होता है, 10 इंच का भी होता है, ये सिंगल सेल है. इसको बीच में से काट डालो, जब काट डालोगे तो ये आधा इस तरफ चले जाएगा, आधा इस तरफ चले जाएगा, 2 हो गए, और इसकी दोनों साइड में मुंह होता है. मगर जब ये काट डालो तो एक मुंह घट गया, लेकिन विद इन 1 आवर दूसरी साइड में मुंह निकल आएगा. अब इसको फिर दूसरे को भी काट डालो तो ये 4 हो जाएंगे, तो थोड़े घंटे के बाद दूसरे मुंह उधर निकल आएंगे. इस तरह ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये सिंगल सेल है. और इसी तरह से दुनिया में लाइफ शुरू हुई. ये जमीन सूरज के अंदर से निकली. सूरज का आदत है कि ये थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद कफ करता है. जब ये खांसता है तो जिस तरह हमारे अंदर से बहुत दफा बलगम निकलती है, तो सूरज के अंदर से भी लावा निकलता है. इसके सूरज के जो फ्लेम्स हैं, 1,00,000 मील लंबे फ्लेम्स हैं इसके, और हमारी जमीन से 1,00,000,000 माइल दूर है, नहीं सॉरी 1,00,000,000 गुना बड़ा है और 10,00,000,000 मील दूर है. तो अरबों बरस पहले सूरज ने कफ किया तो यह हमारी जमीन उसमें से निकली, जो कि सब प्लेनेट इसी तरह से निकले, सूरज में से निकले.
तो ये जमीन जो थी वो आग का गोला थी, ये रिवॉल्व होती रही। कई लाखों बरसों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ठंडी होती गई, जब ये ठंडी होती गई तो श्रिंक होती गई, कहीं से ऊपर निकल आए पहाड़, कहीं घड़े पड़ गए, तो जो पहाड़ हैं आज दिखते हैं, और जो घड़े पड़ गए बाद में बारिश होने से समुंदर बन गए। इस तरह खुदा ने यह जमीन को पैदा किया। इसी तरह से लाखों साल निकल जाने के बाद जब खुदा ताला ने इसके ऊपर बारिश भेजी, तो बारिश और मिट्टी मिलने से, सूरज की गर्मी से, इसके अंदर खुद ब खुद एक जीव पैदा हुआ। वो जीव क्या था? यही सिंगल सेल था, बैक्टीरिया की शक्ल में, और फिर ये डबल हो गया। बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, एक से दो, दो से चार, इसी तरह से जैसे मैंने ये अर्थवर्म की बात की है। आहिस्ता 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 ये जो सिंगल सेल्स थे, मल्टीप्लीकेशन से थोड़ी घास पैदा हो गई, और कुछ अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बन गए। इस तरह इस जमीन के ऊपर लाइफ शुरू हुई, और यह लाइफ फिर इसमें से मछलियां बनी, समुंदर के जानवर वगैरह बने, मेंढक बने कि जो जमीन पे भी रहवे, पानी में भी रहवे। इंग्लिश में इसको एम्फीबियंस कहते हैं, मगरमच्छ है, और ऐसे और भी बहुत से जानवर है कि जो समुंदर में भी रहते हैं, पानी में, पानी के बाहर भी रहते हैं। तो कछुए बने, जिसको हम टॉर्टल्स कहते हैं, पानी में भी रहता है, इधर भी रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जानवर हुए कि जो पानी में नहीं रह सकते थे, इधर ही रहने लगे। इसमें से परिंदे बने, पंछी बने, दूसरे जानवर बने, मैमल्स बने, आखिर में फिर बंदर बना, और बंदर में से ये शिम्पांजी, और शिम्पांजी के ऊपर की एक मिसिंग लिंक है जो साइंटिस्टों को नहीं मिलती, लेकिन हमारे पीरों ने उसके इशारे किए हुए हैं। इसको पीर के इशारे से हम कहते हैं वामन अवतार। ये जब इस दुनिया के ऊपर सिर्फ मछलियां थीं और कोई भी दूसरा जानवर के जो जमीन पे भी रहे, पानी में भी रहे, वो पैदा नहीं हुए थे, सिर्फ मछलियां ही थीं, तो इन मछलियों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती रही, प्रोग्रेस होती गई, इंटेलिजेंस पैदा हुई। तो यहाँ तक के ऐसी मछली के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी, मिसाल देखो ये जो डॉल्फिन्स हैं, वो आदमी की दोस्त है, कोई आदमी डूबता हो तो डॉल्फिन्स उसके इर्द गिर्द उसको कैरी करके किनारे तक ले आती हैं, और डॉल्फिन्स जो है वो हार्मफुल नहीं। फिर इसी तरह से थोड़ा और आगे जाओ तो व्हेल पैदा हुई, तो व्हेल में इंसान के ब्रेन से नज़दीक ब्रेन है, और थोड़ा थोड़ा सा छोटा है साइज में, तो व्हेल भी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये मछलियाँ जब ये बहुत हाई लेवल के अंदर इंटेलिजेंस में पहुँच गई, तो उस वक्त जो खुदा की जो मैसेज की बात थी, यानी खुदा का जो नूर था, वो उस मच्छी में था। कोई एक मच्छी थी ऐसी कि जिसको हमने फेमिनिन जेंडर से निकाल के फिर ने मैस्कुलिन जेंडर यूज किया है, मच्छ, क्योंकि मच्छियों में भी जेंडर तो है। तो पिसरुद्दीन ने हमको सिखाया कि वो जो एक ऐसी खास मच्छी थी, मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके अंदर खुदा का नूर उतरा। इसको ये मच्छ अवतार की जो फिलोसफी हिंदुओं में है, वो हिंदुओं की बात है। जब ये नाम हिंदू आता ना, तो हम लोग खास करके पाकिस्तानी हैं, वो भड़कते हैं, हिंदू की बात है। लेकिन हिंदुओं के अंदर भी खुदा ताला ने अपने पैगंबर भेजे, अवतार भेजे, नबी भेजे, उनके ऊपर उन्होंने मैसेज भी भेजे, वेद वगैरह थे, सच्चे थे। इस्लाम से पहले क्या खुदा ने पैगंबर नहीं भेजे? 124,000 पैगंबर भेजे। तो हमको तो कुरान में 29 पैगंबर के नाम मिलते हैं, तो 124,000 में से तो सिर्फ ये 29 तो नहीं थे ना। तो बाकी खुदा कहता है कि कोई मुल्क बाकी नहीं कि जहां मेरा पैगंबर नहीं गया, और कोई नेशन बाकी नहीं कि जहां मैंने पैगंबर नहीं भेजे। तो इंडिया भी एक जमाने में मुल्क था, वहां भी पैगंबर आए। तो ये जो बातें मच्छ कच्छ वगैरह 10 अवतार की हैं, ये एवोल्यूशन की थियोरी है, हिंदुओं की मान्यता की बात नहीं।
तो इस तरह से दुनिया के अंदर खुदा ताला ने खलकत जारी की। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड, पीर का कहना ऐसा है कि जो ब्रह्मांड में है वो इंसान के अंदर है। ये पिंडे से ब्रह्मांड है, ये हमारे विद्वानों के अल्फाज हैं। यानी जो खुदा की खलकत में है, बाहर दिखते हैं पहाड़, दिखते हैं चांद सूरज, दिखते हैं हमारे अंदर पहाड़ भी हैं, समुंदर भी हैं, दरिया भी हैं, अंदर प्लैनेट्स भी हैं, अंदर सूरज भी हैं, अंदर चांद भी हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो हमको मालूम नहीं। मैं यहां थोड़ा फुल स्टॉप करके एक और जरा ब्रांच में जाता हूं। हमारे पीर का एक गिनान है पीर सदगुर नूर का, और यह गिनान है हम घटपाट पे बोलते हैं। हम लोग भूल गए कि घटपाट के गिनान जुदा हैं, ऊबे गिनान जुदा है, बैठे गिनान जुदा है। तो ये गिनान है कि आघट सास उसास निरिंजन। पीर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर हर सांस के ऊपर, सांस कहते हैं कि जो सांस अंदर लेती जाती है, उसास कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सहेलिंग, यानी सांस बाहर आता है इसको उसास कहा। तो सांस लिया और सांस निकाला, फिर कहते हैं इस सांस उसास में नजर न आने वाली चीजें हैं। निरिंजन खुदा को भी कहते हैं, लेकिन वो चीज जो नजर न आवे उसको भी निरिंजन कहते हैं। बैक्टीरिया है या निरिंजन है, क्योंकि आंख से दिखता नहीं। तो फिर कहते हैं कि तुम्हारे सांस उसास में निरिंजन है, ये निरिंजन बैक्टीरिया है। बाहर जब इसे हम सांस अंदर लेते हैं तो बाहर के बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, और अंदर जाके ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर के पैदा किए हुए बैक्टीरिया हमारी सांस में से बाहर आते हैं। जैसे कि जो टीबी का मरीज है उसके जो सांस के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से कोई दूसरा आदमी ज्यादा देर तक टीबी के मरीज के पास रहता हो तो उसको टीबी लग जाती है। तो सांस उस सांस में निरिंजन है, यानी बैक्टीरियाज हैं। सत स्वरूपी आनंद, अगर ये बैक्टीरियाज सच्चे हैं तो तुम्हें हेल्थ मिलेगी, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हैं। जैसे कि हमारे पेट में फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, और जब ये हम एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं। और फ्रेंडली बैक्टीरिया अगर हमारी आंतड़ों में न होवे तो हम खाना हजम नहीं कर सकते, और उल्टी हो जाती है या आदमी को डिसेंट्री हो जाती है। तो हेल्दी बैक्टीरिया वापस रिक्यूपरेट करे उसके लिए दही खाया जाए। दही के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। तो पीर कहते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया सत्स्वरूपी हैं, यानी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तो तुम्हें आनंद मिलेगा, मतलब कि हेल्थ मिलेगी। फिर फरमाया आ घट अनंत मूरत हंस रूपी। अनंत मूरत हंस रूपी, तुम्हारे घट के अंदर हिसाब बिगड़ की ऐसी मूर्तें यानी बॉडीज हैं कि जिनके अंदर जीव है, हंस रूपी यानी जीव है, जिंदा है। ये बैक्टीरिया जिंदा है, हमारे सेल्स जो हैं तो जिंदा है। फिर फरमाया अनंत सूरज ने चंद्र, हिसाब बिगड़ के सूरज और हिसाब बिगड़ चांद तुम्हारे बदन के अंदर है। अभी देखो हमारे पीरों की कमाल, अगर साइंस न पढ़ी हो तो हम पीरों के गिनान समझ नहीं सकते। मैं साइंस का ग्रेजुएट हूं इसलिए मैं ये चीजें समझाता हूं। अभी देखो चांद सूरज क्या है, हमारी सारी बॉडी में सेल्स हैं, हर एक सेल्स जो है वो एटम से बने हुए हैं। एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दूसरे बहुत से दूसरे भी एटम्स हैं कि जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक प्रोटॉन होता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या दो प्रोटॉन्स होते हैं चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे ये प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हैं सूरज की तरह, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं, इसलिए वो सूरज के इर्द गिर्द जिस तरह पृथ्वी फिरती है
इस तरह इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि एटम प्रोटॉन्स जो हैं वो स्टेबल हैं मगर अपनी एक्सिस के ऊपर घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू में घूमते हैं सूरज के सिस्टम की तरह। तो ये अनंत सूरज अनंत चंद्र ये हमारे पीर ने अपने ज्ञानों के अंदर हमें कहा है। तो जिस तरह मैं ये कह रहा था फुल स्टॉप करके ये चीज समझाने के लिए, जो बाहर है वो सब कुछ अंदर है। 999 नदियां हैं सारी दुनिया के अंदर, मेजर नदियां। तो हमारे अंदर 999 वेन्स हैं। अभी हमारे फिर कहते हैं 72 कोठा 9 दरवाजा, 9 ओपनिंग तो हमारी बॉडी में है। 72 कोठे क्या, ये ग्लैंड्स हैं। कोठा कहते हैं जहां हम कोई चीज डिपॉजिट करें, स्टोर। तो ये जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो स्टोरेज हैं, उनके अंदर खास खुदा ताला की तरफ से वो चीजें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बराबर होती हैं। अभी इधर ग्लैंड्स हैं दो जिसको हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। अगर औरतों के थायराइड ग्लैंड्स बिगड़ जाएं तो दाढ़ी मूछ निकल आती है, और मर्द के थायराइड ग्लैंड्स खराब हो जाएं तो उसकी दाढ़ी मूछ बाल खत्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारे सारे बदन के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जो ब्रह्मांड और इंडिया की बात थी वो फिर इस तरह से जो समझाया, तो जब ही माँ के पेट में वूम में बच्चा रहता है तो सिंगल सेल होता है। विद इन वन मिनट जब वो एग के साथ मिलता है तो विद इन वन मिनट ये स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। एक में से दो बनते हैं, दो में से चार बनते हैं, चार में से आठ बनते हैं, आठ में से 16 बनते हैं, 32 बनते हैं। इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। और जब पहली कंस्ट्रक्शन बच्चे की होती है लगभग 2 या 3 वीक के अंदर, तो वो मच्छी की तरह लगता है। थोड़ा टाइम के बाद फिर उसके 4 पांव हाथ निकलते हैं तो मेंढक की तरह, कछुए की तरह लगता है। फिर थोड़ा आगे जाता है तो जरा सी दुम निकलती है जो बाद में घट जाती है, टूट जाती है। तो दुम जब भी निकलती है तो किसी वक्त वो शेर की तरह होता है, किसी वक्त वो हाथी की तरह लगता है। तो ये 10 अवतार यानी 10 मेन रो पॉइंट्स लेवल्स के जहां से नवी एवोल्यूशन शुरू होती है बच्चे के अंदर, ये सारी हकीकतें 10 की 10 पैदा होती है। और आखिर में फिर जाके 16 वीक के पहले तो बिल्कुल कंप्लीट इंसान बन जाता है। तो पीरों ने जो ज्ञानों के अंदर ये चीजें कही, उस पर से इमाम सुल्तान शाह फरमाया कि मौलाना रूमी बैठ के सोचता था कि मैं पहले कीड़े मकोड़ों में था, फिर मैं नहीं उसमें लिखा मैं पहले पत्थर में था। अभी पत्थर में जीव कैसे, पत्थर में तो जीव होना चाहिए, लेकिन समुन्द्र के अंदर जो कोरल्स हैं वो रॉक्स हैं, उसके अंदर जीव है। रॉक्स बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, मर जाती हैं, इनको कहते हैं कोरल्स। तो ये कोरल में से फिर एमीबा पैदा होता है, बाद में मछलियां बनती हैं। और अंदर जितने भी मछलियां एग्स ले करती हैं तो वो कोरल्स में ले करती हैं। तो मैं पहले पत्थर था, रूमी कहता है, मैं कीड़े मकोड़े में आया, बाद में मैं जानवरों में आया, फिर मैं बंदर बना, बाद में मैं अब इंसान बना हूं, अब इंशाल्लाह मैं फरिश्ता बनूंगा। तो सुल्तान ने शाह फरमाया कि तुम ये बैठ के ख्याल करो कि तुम कहां से आए हो, कौन होगी, क्या करते हो, कहां जाना है, ये सारी चीज का तुम ख्याल करो। ये ख्याल सूफीज्म है, एक्चुअली इसी को हम बैतुल ख्याल कहते हैं। बैतुल ख्याल सिर्फ ये नहीं है कि बोलने के आप बैठ गए, बैतुल ख्याल ये है कि गो इनसाइड, अंदर जाके आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो कि मैं क्या हूं। अपनी आदतों का ख्याल रखो, मेरे में गुस्सा है बहुत, मैं हसद करता हूं, किसी को देख के मैं जलता हूं, मेरे में लालच है, मोह ममता है, कोई आदमी मेरे पास कोई अमानत रख जावे मैं खा जाऊं। अपना स्टॉक लेना चाहिए, आदमी को जब इस तरफ जाएगा तो खुदा मदद करेगा,
उसको वो चीजों का पता लगेगा कि जो नॉर्मल वो भूल गया है। इसी का नाम बैतुल ख्याल है कि अपनी बदियों बुराइयों को याद करके ढूंढ ढूंढ के उसको करेक्ट किया जाए ताकि हम अच्छे बने, पाक बने, बेहतर बने। इंसान को जब खुदा उसके ऊपर मेहरबानी करता है तो ये ख्याल खुद ब खुद अंदर से आता है। टीचर की जरूरत जरूर है लेकिन एक ऐसी स्टेज होती है कि इंसान खुद का टीचर बनता है और बैतुल ख्याल यही चीज है। पर्सनल रिसर्च में यह है मेरे में कितनी बदियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। मेरे में खूबी भी है, बदियां भी हैं। खूबियां कौन है, बदियां ज्यादा है। बस ये मेरी हकीकत है, एक दिन मुझे मरना है। क्या मेरा ये ईमान है कि खुदा मेरे से हिसाब मांगेगा? हमारा ईमान है। तो अगर वो हिसाब मांगेगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा इसके ऊपर? दिन एक सारा घिनन लिखा है, सेठ कहे तुम्हें सांभड़ो वाणो तक वणज रूढ़ो करी लावो। मौला ने हमें जन्म दिया और कहा जब ये तेरी कैपिटल, या काम कर, बिजनेस करके लेके आ। लेकिन इधर आया, दुनिया के अंदर लोभ लालच में फंस गया, अब वो वादा भूल गया। कुरान में भी है कि तुमने माँ के पेट में वादा किया उसको याद करो। और माँ के पेट में हमने वादा किया या मौला, ये मेरी हालत, मुंह नीचे पांव ऊपर और ये चारों तरफ गंद में पड़ा हूँ, अब तू मुझे छुड़ा, तू जो कहेगा मैं अमल करूँगा। नबी मोहम्मद का नाम लेके हम उसके वास्ते से बाहर निकले और बाहर आके तो फिर सब कुछ खुल गए। मेरा है सब कुछ, मकान मेरा, बंगले मेरे, मोटर मेरी, बैंक बैलेंस मेरा। और फिर जाते वक्त क्या है, तेरा होता तो साथ ले जाता, सब इधर रहेगा। ये जो ख्याल है, ये सूफीपन के आदमी एकांत में बैठ के खुद अगर सोचे तो उसको खुदा अंदर से प्रेरणा देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको शर्म भी आती है खुद के ऊपर, मैं क्या हूं, मेरे लिए ये अच्छा नहीं। जब इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है तब वो खुदा ताला की शनाख्त कर सकता है। मौला मुर्तजा अली कहते हैं कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। आप विचार करो, हम अपनी पीठ नहीं देख सकते सिवा के आगे पीछे दो आईने रखे तभी, लेकिन यूं हमको पता नहीं मेरी पीठ को। मुझे ये मालूम नहीं कि एक घंटे के बाद क्या होने वाला, मुझे ये मालूम नहीं कि मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, कहाँ मरूंगा और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, इंसान को पता नहीं। मगर जो इंसान हर रोज बैठ के सोचे और बैतुल ख्याल, ये बैतुल ख्याल है खुद को सोचना और फिर इसकी तिजोरी खोलने के लिए जो चाबी इसमें आजम है उस चाबी का जो इस्तेमाल करे तो फिर उसके अंदर पेटी खुलती है। वो देख सकता है कि मेरी असल क्या थी। असल तो ये थी कि जब कुछ ना था तो खुदा था और उसने मेरी आत्मा को, मेरे जीव को पैदा किया। आदन आद निरंजन, जब बिल्कुल कुछ न था सिर्फ खुदा की जात थी, निर्गुण था, अरूप था, और फिर उसने हमको पैदा किया, हमको जुदा किया, जुदा पड़ा थे रूप, उसमें से हम निकल के आए। और हमारा मकाम क्या है, अभी हम कहाँ भी आएंगे, कहीं ना कहीं तो ठिकाना करना पड़ेगा, तो वो वापस ठिकाना उसी के नूर में वापस जाना है। ये समझ इंसान को, जैसे कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, होनी चाहिए। मौला फरमाया सारे कुरान के अंदर एक ऐसी इम्पोर्टेंट आयत है कि उसके ऊपर आदमी विचार करे तो उसको बहुत रोशनी मिले। वो आयत ये है, जब भी कोई गुजर जाता है हम खबर सुनते हैं, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम खुदा के लिए हैं, हम खुदा के वास्ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको वापस उसकी तरफ जाना है। तो जब हम उसमें से निकले हैं
वापस उसमें से जाना है तो इस सफर के अंदर हमारा क्या है और क्या ये हम सफर कंप्लीट कर सकेंगे इस लाइफ में, क्योंकि जब तक ये सफर कंप्लीट नहीं होगा लाइफ खत्म नहीं होगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमको नई 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 जिंदगियां मिलती रहेंगी। और इसी को खुदा ताला ने कुरान शरीफ के अंदर सिजन कहा है। सिजन कहते हैं जेल, फिर उन्होंने इसका नाम लख 84 रखा। मैंने एक मैप बनाया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक राउंड सर्कल करो और ऊपर से नीचे एरो करो कि यानी हम खुदा में से आए हैं, तो ये सिंगल सेल है। और बाद में ये लख 84 की तमाम जितनी भी हमारी लाइफ थी, डिफरेंट वेराइटीज थी, ये सब लख 84 84 लख, यानी कि 8.4 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ में से हम पार करके इंसान बने। और इंसान बनने के बाद अभी आउटलेट नजदीक है, लेकिन आउटलेट नजदीक होने पर हम कभी कभी पीछे आ जाते हैं। देखो, हम सुबह के वक्त हमारी वॉशिंग बेसिन है, हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, पानी से भरी होती है, तो बहुत दफा नीचे पानी जाता है, सब चीजें फौरन नहीं जाती, कुछ चीजें ऐसी हैं कि ऐसा ऐसा घूमती रहती हैं मगर वो नल के आउटलेट में जाती नहीं। हमारा हाल ऐसा ही है कि हम आउटलेट के नजदीक हैं लेकिन आउटलेट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मर के वापस पैदा हुए, मर के वापस पैदा हुए, क्योंकि हमें एहसास नहीं है, हमने वो कोशिश नहीं की कि हम फ्री हो जाएं। मौत के वक्त बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं, दुनिया के अंदर माल के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ये जो हमारी अटैचमेंट है ये हमें रोकती है, ये चीजें रोकती हैं। मौत के वक्त मौत नहीं निकलता रूह, क्योंकि ये चीजें पकड़ रखती हैं। और फ्री आदमी होता है वो फ्री हो जाता है। तो जो आदमी अपनी जिंदगी को इधर दुनिया के चीजों के साथ बांध रखते हैं तो मरने के बाद वापस वो उनका जीव उधर ही जाता है। इसके लिए जो मोमन है वो तो पहले से तैयार होता है। इसको हम यूनानियों की जबान में कहते हैं वैराग और त्याग। वैराग का मतलब है कि हमको ये समझ आवे, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं, मुझे ये समझ आवे कि मौत का टाइम आएगा, ये सब रह जाएंगी, मुझे तो मौला के पास जाना है, ये वैराग है। और त्याग ये है कि ये सब चीजों की जो लगावट है वो मेरे दिल में नहीं होनी चाहिए, जो कि इंसान की कंडीशन ये है, ऐसे गिनते गिनते एक सेंट नीचे गिर गया तो वो सेंट की परवाह क्या करेगा, नीचे झुक के उसको उठाएगा। यानी इतना इंसान दुनिया के साथ अटैच है, एक सेंट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मगर जो मोमन है वो जानता है कि मेरे मौला ने कर्म करके मुझे दिया है, सब उसी का है। और जब मोमन का टाइम नजदीक आता है उसको 40 दिन पहले पता लगता है। मौलाना जाफर सादिक फरमाते हैं कि हर इंसान को 40 दिन पहले नोटिस मिलती है कि अभी तेरी सफर तैयार है, टिकट आ गई है, रिजर्वेशन भी है और सीट बुक हो चुकी है, नंबर ये है तेरी सीट का, फ्लाइट नंबर 100। तो वो बिल्कुल तैयार बैठा, सामान लिया और चल गया। मगर जो मोमन नहीं होता तो इधर उधर दौड़ता है, ढूंढता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या जाऊं, उसका चढ़ना मुश्किल है, सामान इतना बहुत है कि ये सारा सामान उठा भी नहीं सकता, फ्लाइट निकल जाती है। मोमन को बहुत दुख होता है, मोमन को बहुत दुख ये होता है कि इस दुनिया के अंदर वो बैठा है, मोमन राजी नहीं है इस दुनिया से। मौलाना सुल्तान ने उनसे फरमाया कि मैं भी इस दुनिया से बेजार आ गया हूं, मैं भी लाखों बरसों से तुम्हारे साथ आया हूं,
ये दुनिया नठारी स्त्री है। नठारी स्त्री कहते हैं बेवफा औरत को, कि जो सच्ची नहीं है, प्रोस्टिट्यूट समझ लो, ये दुनिया उसकी है, जो पैसा दे, जो माल दे। ऐसी ही बातें, ये रूहानी बातें मौलाना अली शाह माँ बाप करते थे, पीरी जौमे में थे, बंगले से नीचे बाहर आवे, वाड़ी की बात है बम्बे की, वाड़ी में एक पानी का हौज अभी भी है, हजर इमाम ने तोड़ने के लिए मना किया, उसको अभी भर दिया और फूल वगैरह डाले, इसमें पानी 24 घंटे पानी आता था, फुवारे थे, फाउंटेन था। मेरे दादा कहते हैं अली शर्मा बाप 2 बजे रात को नीचे उतरे और इसके अंदर कमर तक पानी था, अंदर खड़े हो गए तो मौला सुबह के 5 बजे तक बंद भी करे, मगर पीरी जोमा था, फिर ऊपर वापस जावे कपड़े बदल के तो 6 बजे नीचे आवे, दुआ वगैरह पढ़ के नियाज पी के जिसको जाना है काम पे चले जावे, बाकी बहुत से लोग इस फाउंटेन के आजू बाजू में जमीन पे बैठ जावे, और अली शाह माँ बाप आके तो इसके दीवार के ऊपर किनारे के ऊपर बैठे और वाज करे, सवाल के जवाब भी दे रहे। एक दिन ऐसा ही मौत की बातें मौला करते थे तो ऊपर निगाह की, मेरी वाज में ये चीज का जिक्र है, मैं रिपीट करता हूं, तो 3 परिंदे पंछी जो थे बर्ड्स चल रहे जाते उड़ते थे, मौला कहते हैं कि सलामत है जमात, ये देखो वो जो पहला परिंदा है वो मेरा मोहम्मद है, उसके पीछे दुनिया भागती है, दूसरा दुनिया है, मगर मेरा मोहम्मद दुनिया के हाथ में नहीं आता, और वो जो तीसरा है वो दुनियादार है, वो दुनिया के पीछे भागता है लेकिन दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। सच एग्जैक्टली हमारे हाल ये है, मोमन के पीछे दुनिया भागती है मगर मोमन परवाह नहीं करती, मोमन को मौला चाहिए, इबादत चाहिए, अपनी आखिरत का ख्याल चाहिए, तो दुनिया में फंसता नहीं है। दुनिया मेरे मोमन को मौला कहते पकड़ नहीं सकती, लेकिन दुनियादार के हाथ में दुनिया नहीं आती, हालांकि वो उसके पीछे भागता है। ये आध्यात्मिक बाबतें, ये सूफीपना, ये बैतुल ख्याल हम सबको करना चाहिए, हमारी इस्माइली मजहब हकीकत में ये है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान हो गए, और जिसको ये आत्मज्ञान होता है फिर उससे बदियां बुराइयां नहीं करती, वो जानता है कि मैं बदी करके कहां जाऊं, मौला को जवाब देता है। दूसरा क्या होता है कि मोमन को हर वक्त इस बात की कॉन्शियसनेस होती है, मेरा मौला मेरे साथ है, मौला देखता है। अभी जो मौला देखता है, जाहिर बाने हाजिर इमाम के साथ होवे तो हम कोई गुनाह का ख्याल करें, मोमन हर वक्त मौला को हाथों नजर समझता है, वो गुनाह नहीं करता, लेकिन इंसान है, अजानी गलतियां हो जाती, चलते चलते किसी को धक्का लग गया, चलते चलते पांव फिसल गया, इस तरह अन इंटेंशनल गुनाह हो जाते हैं, और वो फिर हाजिर में फरमाया कि छाता लेते वक्त मुआफ हो जाते हैं, जमात खाने आते हो, हैजंदा पुकारते हो तो मुआफ होते हैं। तो हमारे गुनाह तो गुनाह होते भी रहते हैं, झड़ते भी रहते हैं, लेकिन मेजर गुनाह जो है मोमन नहीं करता, मोमन किसी का हक नहीं खाता, किसी को बदनाम नहीं करता। 10 कबीरा गुना सुल्तान शाह फरमाया ऐसे हैं कि वो माफी मांगने से मौत नहीं होती, वो गुना भोगने पड़ते हैं। हर वक्त अपने आप को मौला के हुजूरी में समझो, और जैसा मौला ने कहा वीक में एक दिन आराम से, सैटरडे होवे छुट्टी होवे, आराम से बैठ के सोचो, मगर उस वक्त टीवी ऑन नहीं करना, नहीं तो आदमी को फुर्सत मिलती है टीवी ऑन कर लेता, अपनी अंदर की टीवी ऑन करो। एनी क्वेश्चन? आपने ये जो बताया
ये छोड़ दी, जरूर की छोड़ी और ये छोड़ी ना, वो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कुरान कि मैंने जीवन से मछली बन जाए, उसका कुछ बनाया, उसके बाद आदम बनाया, तो आउटराइट ह्यूमन फॉर्म दिखता है। और ये इवोल्यूशन की छोरे से ह्यूमन फॉर्म ऐसा दिखता है कि मार खा के आए और स्माइली बने हैं। तो मैंने लास्ट टाइम कहा है तो अभी भी कोई ठिकाना तो नजर नहीं आता, ऐसी है। एक बात है कि वो जो बहुत बड़ा छतरी है ना जिसमें मौला बैठा है, हम इसके छतर के नीचे बैठे, कभी हम इधर रहेंगे तो कुछ न कुछ मीठी नजर करेंगे, बाकी जो छतर के बाहर चले गए तो गए काम से। ये अगर आदम को बनाया क्योंकि आदम गॉड क्रिएटेड वाटर विद ओन इमेज, अभी ये ओन इमेज क्या है, एक पेंटर कैनवस के ऊपर ब्रश में ब्रश के साथ पेंटिंग करता है, तो जो कुछ इसके ऊपर उसने पेंट की ये उसके दिमाग में इमेजिनेशन में से निकला है। तो खुदा ने इंसान को अपने इमेजिनेशन से बनाया। यहाँ बहुत से लोग इमेज का मतलब ही समझते हैं कि खुदा ने अपने चेहरे से इंसान को बनाया, ऐसा नहीं है। इमेज यानी खुदा ताला ने अपनी कल्पना से, जिस तरह एक पेंटर पेंटिंग करता है या एक आर्किटेक्ट है वो ड्राइंग करता है कि यहाँ ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये सिटिंग रूम है वगैरह, ऐसा खुदा ताला की ये प्लानिंग थी ऐसी। अब ये बात जो आमतौर पर मुसलमान समझते हैं और हमारे गिनानों में इशारे हैं और हम भी ऐसा गलत समझते हैं कि खुदा ने किसी फरिश्ते को भेजा, मिट्टी खोद के लाओ, मिट्टी में पानी डालो और फिर खुदा ने अपने हाथ से उसका पुतला बनाया और फूंक गया, वो जिंदा हो गया, ऐसा तो आदम नहीं बना। अभी देखो अरबी जबान के अंदर आदम कहते हैं मिट्टी से बनी हुई चीज, कोई भी चीज जो मिट्टी से बनाई गई वो आदम है, और हम भी मिट्टी से बने, हमारे जीना ने माटी खोदी खोदी महल बनाया, मुख के मंदिर दो दीवड़ा जगाया, मूर्ख के घर मेरा। अभी माटी खोदी खोदी कंसीवमेंट हुई, स्पर्म एग में गया माँ के पेट में, तो वहां से ब्लड मिलता है, टीपा टीपा बूंद बूंद ब्लड मिलता है। ये खोद खोद के आदमी एक दफा खोदे तो कितना आवे, दो चार पांच किलो आवे, तो मगर सारा मकान बनाने के लिए तो हजारों किलो चाहिए, लाखों किलो चाहिए। तो ये खोद खोद का मतलब ये है, थोड़ी थोड़ी बिट बाय बिट ड्रॉप बाय ड्रॉप माँ के पेट से निकला हुआ खून इस बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा है, प्रमोट करता है, ये ग्रोथ हो रही है बिट बाय बिट। तो ये माटी खोदी खोदी महल बनाया, आदमी बन गया, ये महल है। दो दीवड़े यानी आंखें हैं, ये दीवड़े हैं, बंद कर दो तो अंदर अंधेरा हो गया, ऐसा खोल दो तो बाहर उजास हो गया। तो ये पीर के जो इशारे हैं समझने के लिए हैं। अभी पीर इधर कहते हैं कि इसका पहला पाठ क्या है, स्वर्ग भवन थी। हाँ, स्वर्ग भवन थी माटी मंगाई। देखो कमाल पीरों का ऐसा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें ऐसे लफ्जों में बताई कि सब की समझ में नहीं आ गए। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी ऐसी जो नॉर्मली मैं बातें नहीं करता मगर करनी पड़ती समझाने के लिए। औरत मरत मिलते हैं, स्वर्ग भवन ये है, हमारा जो ब्रेन है मर्द औरत को देख के, औरत मर्द को देख के उनकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है ना वो स्वर्ग में से निकलती है, ये स्वर्ग है, ब्रेन में से निकला है। स्वर्ग भवन से माटी मंगाई, माटी यानी मर्द, मिठड़ी मंगाई औरत, साइया मिलकर घाट घटाया, मुख के मंदिर द्वेदी बड़ा जगाया। इस तरह से ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होने से इंसान का जन्म होता है और उसकी पेट में ग्रोथ होती है।
तो इस तरह से इमाम का कहना ऐसा है कि तुम अपनी असल हालत को समझो कि ये सब खुदा ताला ने तुमको ये चीज दी है। मेरी एक वाइस में है 88 की यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना WHO, इनकी रिपोर्ट में है कि दुनिया के अंदर 32 मिलियन ऐसे कपल्स हैं कि बायोलॉजिकली बिल्कुल ठीक हैं मगर बच्चा नहीं होता। औरत भी ठीक है, मर्द भी ठीक है, क्यों बच्चा नहीं होता? अब ये उसकी मर्जी है, वो नहीं चाहता। उसकी मर्जी होती है तो जब इंसान की पैदाइश होती है, और ये सारे तरीके उसने जाहिर बनाए हैं, मगर हमेशा जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। और हम लोग जो दुनिया में आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 84 लाख जुदी जुदी फॉर्म्स में से, जानवरों में से, कीड़े मकोड़ों में से अब इंसान बने हैं, हमको इंसान तरीके इंसान के रूप में 8 चांसेस मिलेंगे। अगर 8 चांस में हम अपनी असल तक नहीं गए तो बर्बाद हो जाए, उसको खुदा मिटा दे। तो आखिर के जो 4 हमारे जन्म हैं वो सतपंथ में होते हैं। अगर एक जन्म नहीं हुआ, पास किए तो दूसरी तरफ, एक क्लास में फेल हो गए एक बरस, नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं। इस तरह अगर रिपीट करते करते कभी सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बर्बाद हो जाए। तो हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम आराम से अपनी अंदरूनी हालत का ख्याल करके, आकबत का ख्याल करके अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि गुनाह ना होवे और हम हज़रत इमाम के नज़दीक पहुंचे। कमजोर हैं, दुआ मांगते रहना चाहिए। अभी आपने बताया जैसे 8 जन्म मतलब इंसान के रूप में मिलेंगे, और इसके बाद अगर जिसने मतलब इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसको मौला मिटा देगा, तो किस चीज को मिटाएगा? देखो, जिस तरह उसने हमारे जीव को पैदा किया, इस तरह से उसको बिल्कुल मिटा नहीं सकते। जीव मीन्स आत्मा, राइट? ना, हमारे अंदर 2 चीजें हैं। जीव है लाइफ फोर्स, जिसको नॉर्मली सोल कहते हैं। दूसरी चीज है स्पिरिट, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये दरख्त है, इसके अंदर लाइफ है, लेकिन दरख्त में इंटेलिजेंस नहीं, कुछ फैसला करने की ताकत नहीं, मगर कीड़ियां हैं, इसके अंदर इंटेलिजेंस है। कीड़ियां काम करती हैं और उनकी बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें एक लीडर होता है, वो अपने लीडर की बहुत ओबीडियंट है, और उनके अंदर जुड़े जुड़े कारीगर हैं। जब ये अपना घर बनाती हैं अंदर, तो अंदर रूम होते हैं, रूम्स बनाते हैं अलग अलग। इसी तरह से हनी भी है, बहुत से जानवर हैं कि जिनके अंदर खुदा ने इंटेलिजेंस रखी है। तो जहां इंटेलिजेंस है वहां स्पिरिट है, आत्मा है, क्योंकि जीव हमारे हार्ट में रहता है, आत्मा इंटेलिजेंस में रहती है। तो मिटाएगा क्या? मतलब ये है कि जिस तरह उसने पैदा की है, इस तरह से उसको मिटाएगा, आत्मा रह जाएगी जीव में, क्योंकि हाँ, आत्मा जो है वो नूर है, एनर्जी है। अच्छा, अक्सर हमारे जो अपना निजात दिलाते हैं वो जीव को दिलाते हैं कि आत्मा को पहुंचाते हैं? क्या जिस तरह आदमी निजात दिलाता है, निजात हासिल हुई? निजात तो बेटा जीव को होती है। तो पीर ने गिनान में लिखा है कि प्राण पुरुष तो अमर छे, प्राण यानी लाइफ, जीव इसका पुरुष यानी इसका सेठ या जो इसका बड़ा है वो आत्मा है। तो कहते हैं प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए, बॉडी मर जाती है, दूसरी आती है, मगर जो प्राण है वो रिपीट होता है। और ये जो आत्मा है वो तो एनर्जी है, खुदा की जात है, उसको दुख नहीं, सुख नहीं, मिटती नहीं, जीव मिटता है।
सब में एक ही आत्मा है, जीव सबके अलग अलग। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसकी एग्जांपल तुम ले लो। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में है, लेकिन कहीं इसकी सोर्स है जिसको हम जनरेटर कहते हैं, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, या तो फिर टर्बाइन होते हैं कि जो मोटर से चलते हैं। तो मगर घरों में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आती, मगर डिफरेंट वेराइटीज में। यही बात कैरेक्टर की बात है ना, हमारे अंदर पाकिस्ती होनी चाहिए। ये रोजा है, बातनी रोजा यही है कि हम गुनाह ना करें, हमारे बातनी रोजे। जब गुजर जाते हैं तो फर्स्ट 40 दिन तक अपन सब करते हैं, तो उससे कोई बोलता है कि आत्मा को उसमें जितना वो मिलता है स्वभाव ऐसा, उसके बाद 40 दिन के बाद में करने से नहीं मिलता है इसका। और आजकल 40 दिन तक नहीं करते इसका, आई मीन व्हाट इज द थ्योरी, आजकल क्यों आज 10 दिन या 5 दिन में सब दुआ करके बख्शावरी कर देते हैं, वो ले जाने से कुछ फर्क होता है? इंसान जब मरता है, मेरी जो कि सब वाजों में अलग अलग जगहों पर ये चीजें आ चुकी हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिए मैं कहता हूं कि इंसान जब मरता है उसकी रूहानी लेवल के हिसाब से बदन में से रूह निकलती है या जीव निकलती है। जो नबी के इमाम दुनिया के अंदर हैं, या ऐसे लोग के जो बहुत ही आला दर्जे के रूहानी आदमी हैं, उनकी रूह इधर से निकलती है, यानी सिर में से। बच्चा जब ही पैदा होता है तो उसका जो सिर है उसके खुदा ने कंस्ट्रक्शन ऐसी बनाई है कि ये आगे की हड्डी और पीछे की हड्डी सिर की, ये दो अलग हड्डियां हैं। और जब भी बच्चा पैदा होता है, तंग जगह होने की वजह से एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर आ जाती है, यानी फ्रंट जो है वो नीचे आ जाता है और पीछे का हिस्सा आगे आ जाता है, तो बच्चे का सिर छोटा हो जाता है, फिर बाहर आके वो हट जाती है। और ये दो हड्डियों के बीच में बच्चा पैदा होता है, देखो तो ये जगह नरम होती है, ये खाली जगह होती है। फिर आस्ते 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 हड्डी बढ़ती है, मगर सुई जितना भी एक सुराख रह जाता है। तो ये जो आला हस्तियां हैं उनकी रूह इधर से जीव यहां निकलता है। इससे नीचे उतरने वाले जो मोमन होते हैं आंखों से निकलता है, इससे नीचे दर्जे के हैं नाक में से निकलता है, इससे नीचे के दर्जे हैं मुंह में से उनके आत्मा या जीव निकलता है, इससे नीचे वाले हैं कान से निकलता है, इससे नीचे उतरने वाले हैं मूत्र और हगने की जगह से रूह निकलती है। बहुत दफा मौत के वक्त पाखाना निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, कानों के अंदर लहू निकलता है, यह जीव के निकलने की कंडीशंस होती है। नबी करीम फरमाया कि जो मोमन का रूह निकलता है इस तरह के मक्खन में से बाल निकल, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो काफर है उसका रूह इस तरह निकलता है कि कांटे वाले दरख्त में रेशम का कपड़ा डाल के और खींचो तो तार तार जुदा होती है, ऐसा काफर का जो रूह है वो दुख से निकलता है। अब लोगों का ये कहना जो आपने कहा वो तो बराबर नहीं है। जब ये रूह निकल गई
अगर वो आला दर्जे का मोमन है तो उसको इसकी कोई परवाह नहीं कि आप उसके लिए दुआ शफा करो ना करो, वो तो गया गया। लेकिन हमें मालूम नहीं, इसके लिए कोई भी गुजर जाता है हम अपनी तमाम रीत रस्म रिवाज मजहबी दुआ शफा करते हैं। बहुत दफा ऐसे लोग जो लो क्लास के होते हैं उनको मौत के वक्त डिटेंशन में रखा जाता है, ठहरो, तो वो लोग ठहरते हैं। ठहरते हैं इसलिए कि शायद पीछे से कुछ पार्सल आवे तो उनको थोड़ा मदद मिले, यानी कोई दुआ कराता है, कोई सलवात पढ़ता है, दुरूद पढ़ते हैं, हम उसके पीछे जो कुछ भी करते हैं ये उसको फायदा करते हैं। ज्यारत थर्ड डे पहले हुआ करती थी, लेकिन 1936 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ज्यारत को फरमाया कि बैठी ज्यारत करो एक ही दिन, जिस दिन दफर करो शाम को ज्यारत कर डालो। ज्यारत क्या थी, ये लोग गुजर जाता था कोई तो उसके मैसेजेस इर्द गिर्द भेजते थे 10-15 मील के फासले पे छोटे छोटे गांव में रिश्तेदार आ जाते थे और तीसरे दिन फिर खाना भी करते थे उसके रूह के लिए, सवाब के लिए दुआ वगैरह मांगते थे, अपने काम पे चले जाते थे, 3 दिन तक वो गम मनाते थे। अब तो दफन कर देते हैं, कुछ होता नहीं, फिर भी हम रात को ज़ियारत पढ़ते हैं, मतलब कि उसके छुटकारे के लिए खुदा की हुजूर में दुआएं मांगते हैं। बाज आदमी 10 दिन के बाद 10वां करते हैं कि कुछ रिश्तेदार वगैरह बाहर गांव गए हुए थे नहीं आए, अब वो आ गए हैं तो चलो 10वां दिन वापस उसके लिए ज़ियारत की तरह, ज़ियारत नहीं मगर ज़ियारत की तरह उसके लिए दुआएं वगैरह मांगी जाए, खैरात की जाए। फिर ऐसा था कि 20वां करते हैं, 30वां करते हैं, 40 दिन तक रिश्तेदारों दोस्तों बिरादरों के लिए ये टाइम रखा गया है। इसको पहले दिन आपने दुआ शफा के दुरूद पढ़ा या 40वें दिन पढ़ा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रिश्तेदारों के लिए पुराने जमाने में टेलीफोन नहीं था, तार नहीं थी, प्लेन नहीं थे, मोटरें नहीं थी, तो किसी को 10 दिन के बाद, किसी को 20 दिन के बाद, किसी को 40 दिन के बाद पता लगता, फिर 40 लिमिट कर दी। हमारे लिए तो 40 दिन हो गए कि 40 बरस निकले। एक बात मैं जरूर कहता हूं कि जो कुछ भी गुजर गए हैं लोग, आप लोग हर रोज एक जरूर तस्वीर निकालो 40 दाने सलवात के, और उसमें अपने माँ बाप दादा दादी रिश्तेदार बिरादर जो कुछ भी है नाम लेके आप उनका सवाब उनको दो, रोज किया करो। अब एक और चीज है इसके साथ, 1903 में कच्छ की मुसाफरी में सुल्तान शाह फरमाया, खुदा ने तुम्हें इस मजहब में, इस जमात में पैदा किया है, इसकी शुक्रगुजारी करो और 40 दाने पीर शाह के रोज निकाला करो, जमात की अंदर तुम्हारा जन्म हुआ उसकी शुक्रगुजारी। तो ये अच्छी चीजें हैं, शख्स गुजर जाते हैं उनको जो कुछ भी हम बाद में खैरात करते हैं दुआ करते हैं उनको इसका फायदा मिलता है। क्योंकि मेरे अंकल बोलते थे कि वो बड़ी किताब में पढ़ लिखा है कि जब ये गुजर जाते हैं तो रूह अगल अलग अलग दर्जे पे जाता है, जितना तुम उसके पीछे करो इतना वो उसको आगे तरक्की मिलती है। सच बात है, सच बात। वो भी वो जीव के जो डिटेंशन में रखे जाते हैं, रोके जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी ने खुदकुशी की, सुसाइड की है, नबी बहुत नाराज होते हैं, नबी फरमाते हैं कि जो जिसने अपनी खुदकुशी की, आपघात किया, उसको मुसलमान कब्रिस्तान में दफन मत करो, उसके ऊपर नमाज मत पढ़ो, फातिहा मत पढ़ो, और कब्रिस्तान के बाहर उसको दफन करो। उसके ऊपर क्योंकि खुदा ताला ने जो उसको जिंदगी दी उसने खुदा का सामना करके अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ से खत्म किया, तो ये खुदा ताला के सामने बगावत है। मगर हजरत इमाम सुल्तान शाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ने इस्माइली मजहब में किसी ने खुदकुशी कर ली है उसका हिसाब मैं जानूं,
आखिर उसने मेरी बैयत की थी, इसलिए तुम उसको सारे हक दो जो सबके लिए होते हैं, छाता भी दो, दुआ भी कराओ। मगर यह बात सच है कि हमारे अमल के हिसाब से हमारे दर्जे होते हैं, तो वो आदमी कि जो सुसाइड करता है, पीरों के कहने पर 5,000 बरस तक उसको सजा मिलती है, 5,000 बरस तक वो रोका रहेगा। अभी इसमें जब हम उसके लिए दुआ शफा कुछ करते हैं तो उसका टाइम घटता है, तो उसको मदद मिलती है, तो बाद में वापस दुनिया में उसको आके नए सिरे से काम करना पड़ता है। हम लोग जब भी कोई आदमी खुदकुशी करता है तो बस दफा हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं होना चाहिए, चुप रहो, उसने ऐसा किया, उसने इतनी गोलियां खाई, उसने ऐसा किया, ये ऊपर से छलांग लगा दी, उसकी बातें मत करो, उसके लिए दुआ मांगो, क्योंकि उसने अपने डिप्रेशन के हिसाब से जब उसने ये देख लिया कि उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसने अपने आप को हलाक किया, मगर वो छूट नहीं गया। उसका मतलब यह है वो खुद ये समझता है कि मैं छूट गया, वो तो और भी दुख में पड़ गया। तो इसके लिए हमेशा किसी की ऐसी खबर सुना तो कहो या मौला उसके ऊपर रहम करे। वो लोग के जो नॉर्मल लोग हैं मर जाते हैं, अगर थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं तो जो कुछ भी बाद में हम उसके लिए दुआ शफा करते हैं उसको छुटकारा मिलता है। इसमें खास तौर पे दरूद जो है सलवात सुल्तान मुशा के फरमान में है कि मरने वाले के लिए बहुत सलवात पढ़ो, कि सलवात पढ़ने से उसके जीव का छुटकारा होता है। और वैसे भी अपने लिए भी मौला फरमाते हैं कि तुम हर रोज खूब दरूद पढ़ो, सलवात बहुत पढ़ो, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुमको ताकत आएगी, और जब भी तुम दुनिया से जाओगे तो तुम बहिष्ट में जाओगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। बाकी तो इंसान के अमाल के ऊपर दर्जे मिलते हैं, मौत का वक्त, मौत के बाद दुनिया में उसने क्या किया, इस हिसाब से उसकी एग्जामिनेशन होती है। लड़का खेलता रहा, कोई लेसन नहीं किया, अब वो ना पास हुए तो कोई नई की बात नहीं है, तो अगर वो पास हो गया तो मतलब कि उसने कुछ मेहनत की है, याद किया है। फिर कोई तो लोएस्ट नंबर पे पास होता है, तो कोई ऐसा पास होता है कि टॉप में आता है, बिल्कुल ऐसा है हमारा हिसाब। होते हैं जिस तरह नियत को ज्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए। हाँ, रसूल पाक का फरमान है कि जितना जल्दी बन सके मैयत को दफन कर दो। अरबस्तान गर्म मुल्क है और वो फैसिलिटीज जैसे मोर्चरी वगैरह उस जमाने में नहीं थी, और गर्म मुल्क होने की वजह से डिकम्पोजिशन ज्यादा हो जाती थी, जल्दी हो जाती थी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आदमी ऐसा बीमार होवे मरने के पहले कि उसके कंटेजियस बैक्टीरिया जर्म्स दूसरों को लगे, गंद आवे, तो नबी का हुक्म था कि जल्दी से इसको दफन कर दो। हाँ, क्योंकि उसका दफन करने से उसका हिसाब किताब होता है, क्योंकि दफन से पहले भी हिसाब किताब शुरू हो जाता है, मगर दफन करे तो उसके लिए फातिहा होवे, नमाज होवे, दुरूद पढ़ा जावे, मजहबी काम खैरात की जावे, तो इसका फायदा उसको मिलेगा। मगर यहाँ कभी कभी क्या होता है कि किसी का बाप गुजर गया, बेटा लंदन में बैठा है, तो वो चाहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो हम उसको बर्फ में रख देते हैं मॉर्चरी में, कोल्ड स्टोरेज में, फिर वो दूसरे तीसरे दिन आ जावे। मगर इसमें कोई खराब नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि जितना जल्दी बने हम उसको दफन कर देंगे तो अच्छा है। ये कॉन्ट्रोवर्सी कि हजरत बीबी फातिमा की शादी की, मना होता था, तो बड़ी गुर्बत की हालत थी,
जय रसूलुल्लाह ने कुछ दिया नहीं, गड्ढा था एक खजूर की बनी हुई लकड़ी थी। यहाँ सैयद मोहम्मद शाह बोलते हैं चार ख्वाजा दिए थे जय खिदमत करने के लिए,